हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम विद्या क्वेश्चन बैंक का एक ट्यूटोरियल। ओके, इसमें आपको दिखाया जाएगा, विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया जाएगा। ये क्लास टेंथ की इंग्लिश का विद्या क्वेश्चन बैंक है जो आपको 2023 के पैटर्न पर दिया जाएगा, इसमें का एक पैटर्न। ओके, देखिए आपको मार्केट में क्या रेट पड़ जाएगा इसका। देखिए तो मार्केट में आपको मिल जाएगा ये 94 रुपीज़ का MRP रेट है, और इसका टोटल जो रेट पड़ेगा आपको 70 रुपये के आसपास का ये मार्केट में अवेलेबल है फ्रेंड्स, आप जाके ये ले सकते हैं। ओके, और देखिए हम इस विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या क्या दिया जाएगा इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा सेक्शन नंबर ए में रीडिंग पैसेज। ओके, रीडिंग अनसीन पैसेज मिलेगा, ये आपको दिया जाएगा 10 अंक का, एग्जाम में मिलेगा 10 अंक का। ओके, इस तरीके से आपको पैसेज दिए जाते हैं, उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको ओके अपनी समझ के आधार पर लिखने होते हैं इसको अच्छी तरीके से। ओके, ये शुरू में आपको जो सेक्शन दे रखा है ये सारा का सारा पैसेज का दे रखा है, पैसेज आपको सोल्व करने आने चाहिए। अगर आपको सोल्व करने नहीं आते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको इस चैनल पर सारा कुछ सिखाएंगे इस क्वेश्चन बैंक के बारे में। ये सारे के सारे पैसेज हैं। ओके, देखिए टोटल क्वेश्चन बैंक के ये शुरू में पैसेज दे रखे हैं। देखिए फ्रेंड, सेक्शन नंबर बी में आपको दिखाया जाएगा। ओके, इसमें दिया गया है और लेटर, देखिए लेटर एप्लीकेशन और राइटिंग, लेटर लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखनी होगी या ओके इस पर एक राइटिंग लिखना होता है। तो ओके, देखिए इसमें लेटर आपको कैसे दिया जाएगा एग्जाम में। मान लो क्वेश्चन आपको 3 दे दिया है, राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को इन्वाइटिंग बुलाने के लिए, हिम टू स्पेंड बिताने के लिए, हिज हॉलीडेज अपने हॉलीडेज को, छुट्टियों को विद यू तुम्हारे साथ ही अपने साथ, और प्रपोजिंग वहाँ पर प्रपोजिंग किया गया हो, और ट्रिप एक ट्रिप के लिए टू हिल स्टेशन पर, तो हिल स्टेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है अपने फ्रेंड को। ओके, इस पर आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जिससे कि वो आ जाए। तो ओके, ये सारा कुछ आपको इस चैनल पर सिखाया जाएगा। ओके, देखिए सेक्शन नंबर बी में आपको केवल लेटर राइटिंग दिखाया गया है, टोटल का टोटल ये सारे के सारे लेटर राइटिंग है इस क्वेश्चन बैंक में। ओके, विद्या क्वेश्चन बैंक। ओके, देखिए सारा का सारा लेटर राइटिंग है और एप्लीकेशन है। ओके, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए। ओके, यह है एप्लीकेशन सारा का सारा, ये देखिए काफ़ी आ चुका है एप्लीकेशन, ये जो आया है एग्ज़ाम में आ चुके हैं सारे के सारे। सेक्शन नंबर बी में आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। ओके, और देखिए सेक्शन नंबर बी में और क्या क्या आता है। देखिए सेक्शन नंबर बी में चैप्टर नंबर 2 है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल राइटिंग, तो इसमें आर्टिकल या ऐसे लिखना होता है। ओके, आर्टिकल या ऐसे यहाँ पे आपको दिया जाएगा। देखिए शुरू में ही मालूम किया गया है एन आइडल टीचर के बारे में, ये आपका क्या है, एक ऐसे है, पैराग्राफ है। ओके, आर्टिकल भी कह सकते हैं इसको, तो सारे के सारे आर्टिकल दे रखे हैं इस क्वेश्चन बैंक में। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये माई बेस्ट फ्रेंड का है, माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये दिया गया है। ओके, और इसकी आउटलाइंस भी दी गई हैं। ओके, ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे आर्टिकल पैराग्राफ हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में भी दिया गया है फ्रेंड्स, ये प्रतिभा पाटिल के बारे में दिया गया है, इस टाइप से देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, आगे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। ये सारे के सारे लेटर राइटिंग हैं आपके, डिस्क्रिप्टिव एसे वाले। ओके, ये सारे के सारे ऐसे हैं, इम्पोर्टेंट ऐसे आपको करा दिए जाएंगे इस चैनल पे। ओके, ये केवल आपको क्वेश्चन बैंक इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। ओके, देखिए सेक्शन नंबर सी में आपकी आती है ग्रामर, ग्रामर के बारे में देखिए यहाँ पे ये दे रखे हैं, ये आपसे मालूम किए जाते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन, इस टाइप से मालूम करते हैं आपके एग्ज़ाम में। स्पेलिंग मालूम करता है कौन सी स्पेलिंग सही है, वन वर्ड सिचुएशन मालूम करता है। ओके, इस तरीके से जैसे कि कह रहा है कि अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी, एक व्यक्ति जो प्यार करता है अपने देश से, ओके क्या कहलाएगा वो, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अ ट्रेटर, एक देशभक्त होता है। तो ये सारा कुछ आपको शॉर्ट में आसान तरीके से बताया जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, आर्टिकल्स दे रखे हैं, देखो ए एन और द का यूज़ दिखाया गया सारा का सारा क्वेश्चन आंसर में। ओके, जैसे ये है आई वॉन्ट टू बाय अ लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ ओके अगले महीने, इस टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ये।
अब देखिए अगला सेक्शन क्या आता है इसका, रीऑर्डरिंग सेंटेंस आ गए हैं। रीऑर्डरिंग मतलब सेंटेंस को क्रम से लिखना होता है इसको, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब, इस टाइप से जो लिखा जाता है ना वो सारा का सारा इसमें लिखा जाएगा। फिर एक्टिव एंड पैसिव दे रखें, ओके ये एक्टिव एंड पैसिव दे रखें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए सारे के सारे एक्टिव एंड पैसिव हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये विद्या क्वेश्चन बैंक है फ्रेंड्स, विद्या क्वेश्चन बैंक इसी तरीके का आता है, रेड कलर और ब्लैक कलर में लिखा हुआ। ओके ये आपके लिए आ गए एडिशनल वर्ड्स, इसमें आपको वर्ड्स भरने होते हैं, जैसे सस्पेंस आ गया, एक्चुअली आ गया, एनेक्सिस आ गया, ऑकवर्ड और क्या आ गया, एस्टोनिशमेंट आ गया, एनोइड आ गया, बहुत सारे जो भी इसमें भरा जाएगा, कॉलोनल आ जाएगा, कर्नल वगैरह, ओके वैक्यूम आ जाएगा, इस टाइप से भरने होते हैं जो आपको आ जाए भरने के लिए वो भर देना एग्ज़ाम में, काफ़ी ईजी होते हैं ये। आगे देखिए ये प्रीपोजिशन का चैप्टर है, प्रीपोजिशन में इसमें ए एन और प्रीपोजिशन में जैसे इन ऑन ओके एट इस टाइप के जो वर्ड भरे जाते हैं ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं, वाई एमंग विद इन इस टाइप के प्रीपोजिशन सारे के सारे भरने के लिए आते हैं, जैसे अवॉइड वाई होता पालन करना, यहाँ पर वाई आ जाएगा यहाँ पर, ओके आसान है और कुछ नहीं है इन क्वेश्चन आंसर में, सब आपको सिखा दिया जाएगा आसान तरीके से। आप ये क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं ध्यान से कैसे कैसे इसमें पैटर्न दिया गया है। ओके और क्या है आपके पास, देखिए और क्या क्या दे रखें, ये एक्टिव पैसिव की क्या है प्रैक्टिस दे रखी है इसके अंदर, टोटल प्रैक्टिस है, टोटल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मैक्स है परफेक्ट में, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है, सब प्रैक्टिस दे रखी है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन बैंक है फ्रेंड्स। अगर आपको 90 प्लस लाने हैं तो क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से कुछ बचकर नहीं जाता है, आप चाहे पेपर उठाकर देख सकते हैं और क्वेश्चन बैंक से उसको सॉल्व आउट कर से देख सकते हैं, ओके सारा पेपर हल हो जाएगा उससे। आगे आ रहा है ट्रांसलेशन, चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पर ट्रांसलेशन है, 5 अंक का निर्धारित है, ये सारे के सारे ट्रांसलेशन हमने करके उसमें डाल दें प्लेलिस्ट में, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये सब के सब ट्रांसलेशन आपको समझा दिए गए हैं। ओके ये सब ट्रांसलेशन है 5 अंक के मालूम किए जाते हैं, और देख सकते हैं आप काफ़ी ट्रांसलेशन है। अब आते हैं देखिए सेक्शन नंबर D पे, लिटरेचर आ गई फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक प्रोज अ लेटर टू गॉड जी अल्फ्यूंस, इसका राइटर दे रखे हैं, ओके अब ये ध्यान से देख सकते हैं, ये सेक्शन नंबर D का चैप्टर नंबर 1 है, अ लेटर टू गॉड, ये सब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, सब आपको इजीली तरीके से हमने समझा दिए हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, ओके राइटर है इसके नेल्सन रोहिलाला मंडेला, ओके चैप्टर नंबर 3 में आपका दे रखा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आंसर काफ़ी मालूम किए जाते हैं यू बोर्ड एग्जाम में, ओके चैप्टर नंबर 4 आ रहा है इसमें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ओके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में इतने सारे चैप्टर हैं, ये सब क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ओके आप देखिए नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है आपको मिल जाएगा ये मैडम और राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस वालिका नानी इसके राइटर हैं, नेक्स्ट वाला चैप्टर है द सरमन एट बनारस, वेट रेंसा इसके क्या हैं राइटर हैं, चैप्टर नंबर 6 है ये फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इसके, क्या है दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे भी हमने सब आपको पढ़ा दिए हैं, ये प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और डस्ट ऑफ स्नो ये आपकी पोइट्री आ गई है, ये पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो का, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं इसके राइटर, ओके नेक्स्ट चैप्टर है इसका फायर एंड आइस, क्या है फायर एंड आइस, ओके फायर एंड आइस, और तीसरा चैप्टर है अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू, और नेक्स्ट वाला चैप्टर है अमांडा का, क्या है ये अमांडा चैप्टर, ओके नेक्स्ट वाला है एनिमल्स का 5 वाला, द ट्रीज दे रखा है एडन रिच इसके राइटर हैं। अब आती है देखिए फॉग वाला लास्ट चैप्टर है पोएट्री का, फॉग कोहरे का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है जो
पैटर्न ही चेंज है, मतलब क्या है क्वेश्चन बैंक का जो वो होता है ना रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर आ चुका है। ये पहला चैप्टर है आर्ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ओके सप्लीमेंट्री आ चुकी है, ये चैप्टर नंबर वन है सप्लीमेंट्री का। ओके देखिए क्वेश्चन, देखिए कितने नंबर के हैं, 25 शब्दों में आपको ये टोटल अंक पड़ जाएंगे इसके सप्लीमेंट्री के, चार आठ नंबर के आपको यहाँ से मिल जाएंगे सप्लीमेंट्री से आठ। ओके इतने सारे चैप्टर आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट वाला है द थीफ स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड, नेक्स्ट वाला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस गेडी मोपासेंट, चैप्टर नंबर फाइव है ये इस क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर भोली का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भोली का। ओके तो ये सारे के सारे विद्य क्वेश्चन बैंक हमने इसमें पूरी का पलट दी है, दिखा दिए आपको इजीली तरीके से। ये इसके क्या दे रखे हैं, मॉडल पेपर दे रखे हैं फ्रेंड्स, ये 70 नंबर का मॉडल पेपर है। ये आप भी इस पर एक नज़र डाल लें कैसे कैसे आता है पेपर, ये देखिए इस तरीके से पेपर आ रहा है, ये पेपर देख सकते हैं आप कैसे कैसे आ रहा है। ओके ये एग्ज़ाम में पेपर आ चुके हैं फ्रेंड्स, ये है आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर, ये पूरा सोल्व आउट करके हमने डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके फ्रेंड्स ये आपको मार